तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी में लिस्टेड स्टील सेक्टर के स्टॉक को लेकर के, और इनका मार्केट कैप की बात करें तो 1094 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 13 रुपये, हाई लगा चुका है 14 रुपये का, लो है 7 रुपये 30 पैसे का। स्टॉक पी 201 है और इंडस्ट्रीज पी 21 है। स्टॉक पी के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा ओवर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन इंडस्ट्रीज पी के हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। बुक वैल्यू 1 रुपये की कंपनी, डिविडेंड 8 रुपये आउट नहीं करती है, 11% ROCE है, 9.95% ROE है। फेस वैल्यू 1 रुपये की, प्रमोटर का 62% की होल्डिंग जो कि काफ़ी लाजवाब होल्डिंग है, और कंपनी का कर्ज ना 0.18 है, डेप्ट इक्विटी से 0.18 है, मतलब कंपनी का कर्ज ना बहुत ही कम ना के बराबर है। एनुअली प्रॉफिट 5 करोड़ 42 लाख का हो रहा है, डेप्ट है 15 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 9%, इंडस्ट्रीज पी की जीपीएस से 0.07 पैसे की, फ्री कैश फ्लो 45 करोड़ निगेटिव, प्लस परसेंटेज बिल्कुल 0 है। कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग गिरवी नहीं रखा गया है। अगर हम लोग बात करें प्रोस की, तो प्रोस के अंदर हम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाई और सेल करके चल सकते हैं। दोस्तों हमारी कही हुई बातें 100% गलत हो सकती हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। इसलिए जब भी बाई आप कीजिएगा, जब भी आप बाई और सेल करें तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उसके बाद ही बाई और सेल करें। अब देखो ये स्टील सेक्टर की स्टॉक है, हाफ ईयरली रिजल्ट्स अगर हम लोग चेकआउट करें, देखो सितंबर वाले क्वार्टर में कंपनी को 2 करोड़ 57 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, मार्च 23 में 6 करोड़ 70 लाख का, तो मार्च में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखलाई कंपनी ने। सितंबर में थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन उतना भी डाउन नहीं हुआ है, और आज इनका रिजल्ट आना है, टुडे अपकमिंग रिजल्ट है, तो देखिए क्या रिजल्ट होता है। अभी तक तो रिजल्ट अपडेट नहीं हुए हैं। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.45 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो कर रहे हैं सितंबर में, मार्च में 4 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा ग्रोथ करती हुई दिखला रही कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉसेस ईयरली बेसिस पे चेकआउट करें तो TTM में हम देख सकते हैं 9 करोड़ 27 लाख का, 2023 में 8 करोड़ 19 लाख का, 2022 में 4 करोड़ 60 लाख का, 2021 में 1 करोड़ 59 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ 45 लाख का नेट प्रॉफिट शो कर रहा है TTM में 5 करोड़ 45 लाख का नेट प्रॉफिट शो कर रहा है, वहीं 2023 में 5 करोड़ 42 लाख का, 2021 में 2 करोड़ 34 लाख का, तो कहीं ना कहीं ईयरली वाइज इंक्रीज, इनकी प्रॉफिट्स लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है, बट कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करी, तो बहुत छोटी सी कंपनी क्या ही डिविडेंड का हम उम्मीद कर सकते हैं। देखो EPS इनका लगातार इंक्रीज हो रहा है, 0.07 है, 0.07 पहले माइनस में हुआ करता था, फिर प्लस में हुआ 0.03, फिर 0.05, अभी 0.07 है, तो अभी इक्वल पे है, मतलब बराबर बराबर है 2023 और TTM में। बट अभी जो रिजल्ट्स आने बाकी, अगर वो अच्छे आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी EPS भी इंक्रीज हो जाएगी। और सेल्स की बात करें तो TTM में देख सकते हैं 28% का सेल्स ग्रोथ है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते 83%, स्टॉक प्राइस CAGR 34%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है। तो हम क्या देख सकते हैं, इन 12 महीनों के अंदर का जो भी डेटा है काफ़ी लाजवाब है, मतलब इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमें। बैलेंस शीट की बात किया जाए तो रिजर्व देख सकते हैं कंपनी के पास 6.93 करोड़ का रिजर्व है, वही ब्रॉबिंग 15.17 करोड़ का इनके पास सिर्फ ब्रॉबिंग कर्ज है, और कर्ज कंपनी का भी पहले की अपेक्षा डाउन हुआ है, पहले 26 थी, फिर 17 हुआ, फिर 15 करोड़ का इनके पास कांतर कर्ज है, और इनका रिजर्व हर साल इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो है नहीं कंपनी का, 16 लाख का नेट कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाते हैं, देखो 62% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, मार्च 24 का डेटा है ये, अभी करंटली का डेटा है, इससे पहले 62.11 है, तो प्रमोटर के पास लाजवाब होल्डिंग है, और 0.37% की होल्डिंग FIIS वालों के पास, DIIS वालों के पास तो कुछ होल्डिंग है ही नहीं, ठीक है उनकी एंट्री ना, हाँ कुछ नहीं है। पब्लिक के पास 37% की होल्डिंग है, लेकिन पब्लिक के अंदर देखा जाए तो
देखा जाए क्या इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया अप स्टॉक और एंजल वन का, किनका, अप स्टॉक और एंजल वन दोनों का लिंक दिया गया, अब दोनों का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं पब्लिक के अंदर 6.73% की होल्डिंग, अखिल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के पास है 5.18% की होल्डिंग, क्लीन वाटर कमोडिटी के पास है, और इस तरह से काफ़ी अच्छा होल्डिंग्स आप देखने के लिए मिल रहा है इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का है इस स्टॉक्स के अंदर। तो ये सब हम काउंट करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं बच रहा पब्लिक के पास, बहुत छोटी सी अमाउंट बच रही है पब्लिक के पास, बहुत ज़्यादा होल्डिंग FISDIs और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पास है। 28% की होल्डिंग इंडिविजुअल्स के पास यहाँ है, तो इतना मान के चलो 7% की होल्डिंग मात्र पब्लिक के पास है। प्रमोटर के पास बहुत लाजवाब होल्डिंग है। तो अभी हम करंटली क्या देख सकते हैं कि कंपनी ना कंपनी देखो कंपनी क्वार्टरली नहीं हाफ ईयरली और ईयरली बेस पे काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस करके चल रही है। अभी आज के डेट में आने वाला है अपकमिंग जो रिजल्ट है मार्च वाले का, मार्च 24 का, तो अभी आया नहीं है, जब आएगा तो ऐड होगा। अब उससे पहले ही देखो कैंडल कितना लंबा बना होगा मंथली, और ये सीधा कैंडल ना 9 रुपये से 13 रुपये 77 पैसे इन 14 रुपये को के लेवल को टच किया है, और ये स्टॉक जब 7 रुपये के प्राइस में हो तब से हम अपडेट्स बना करके अपडेट्स दे रहे हैं। 7 रुपये 9 रुपये समथिंग पैसे से अपडेट दिया जा रहा है, मतलब इस लेवल पे जब स्टॉक हुआ करता था इस लेवल पे तब से बना करके अपडेट वीडियो बना करके अपडेट्स दिए जा रहे हैं। और अगर जिन लोगों ने सपोर्ट के पास डेफिनेटली बाई किया होगा तो आज उनके पास 200% की प्रॉफिट दिख रही होगी, या माफ़ कीजिएगा 200% की प्रॉफिट के लमसम दिख रहा होगा। तो इतने की प्रॉफिट आपको 100% के लमसम का प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो जाहिर सी बात है प्रमोटर के पास काफ़ी लाजवाब होल्डिंग भी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पास भी होल्डिंग है, तो अच्छा खासा होल्डिंग बना हुआ है। और इनका जो कर्ज है ना आस्ते आस्ते ख़त्म ही हो रहा है, तो ये सारी चीज़ पॉजिटिव हैं। लेकिन अभी करंटली ये स्टॉक ना ऑल टाइम हाई के पास है, ऑल टाइम हाई इन द सेंस अपने ऊपर वाले लेवल पे है, तो डेफिनेटली बाइंग प्राइस नीचे के लेवल पे ही था। तो अभी क्या हम करके चल सकते हैं, वेट कर सकते हैं, अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे के लेवल पे आते हैं तो डेफिनेटली हम इधर कहीं नीचे के लेवल पे आते हैं तो इधर कहीं अपनी नज़रों में रख के रख सकते हैं 10 रुपये के, या फिर अगर स्टॉक ब्रेकआउट होता है ना तो देखो स्टॉक ब्रेकआउट के बाद से जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं ना लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो नीचे के वाले लेवल पे ही एंट्री करना बेहतर रहता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इधर कहीं अपना इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी एवरेज करके चल सकते हैं जिससे कि हमारी बाइंग प्राइस बेहतर हो सकती है। और दोस्तों एक बात बता दें, रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही एंट्री करनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, और खास करके पेनी स्टॉक के साथ। तो ये स्टॉक पेनी स्टॉक बोल सकते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को अपनी नज़रों में बनाकर रखा जा सकता है, लेकिन अपनी मंथली इनकम का मात्र 2 से 5% का हिस्सा ही, ऐसा हिस्सा लगाइए आप स्टॉक पेनी स्टॉक के अंदर जो खो जाए, मतलब स्टॉक ना बंद हो जाए काम ना करे फिर भी आपको कोई टेंशन ना हो, तो ऐसा पैसा लगाओ कि समझ लीजिए कि हमारा पैसा खो चुका है, लेकिन फिर भी अगर हमारा पैसा समझ लो खो चुका है, तो ऐसा पैसा लगाना चाहिए जो एकदम बहुत कम है। तो अभी करंटली ऑल टाइम हाई के पास, तो फिर मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और ये स्टॉक ना इस लेवल से भी अच्छा रिटर्न निकाल रखा जा सकता है जिस तरह से प्रमोटर के पास होल्डिंग है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पास होल्डिंग है, लेकिन समय लगता है पेनी स्टॉक अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो सिर्फ कस्टमर पर्पस बनाया जा रहा ना कि बाय और सेल करने के लिए, अगर बाय और सेल करते तो आप अपने रिस्क बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के बाय और सेल करके चल सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।